लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कौन मैग्नेट को की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है वो सब तो कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो नॉन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ व्हाट इज़ कम्बस्टिबिलिटी, यानी ये सब अपन जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं अलग अलग इनको ध्यान रखना। कम्बस्टिबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच सर्टेन सब्सटेंस कैचेस फायर व्हेन हीटेड इन एयर इज कॉल्ड कम्बस्टिबिलिटी। कुछ सब्सटेंस आपको पता है सारे तो नहीं जलते हैं जब अपन को हीट करने की कोशिश करते हैं, बट तो वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कुछ सब्सटेंस सर्टेन सब्सटेंसेस कुछ चीज़ें कैच फायर आग पकड़ लेती है जब उन्हें गर्म किया जाता है हवा में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंबस्टिबिलिटी। नाउ द सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर ऑन हीटिंग, जो आग नहीं पकड़ते हैं ठीक है वो हीट करने पर हवा में, उन्हें कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, उन्हें कहते हैं नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस ठीक है, या नॉन वर्ड लिखा है। वाइल द अदर विच कैचेस फायर ऑन हीटिंग, जो आग पकड़ लेते हैं ठीक है हीट होने पे, उन्हें कहते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आग पकड़ लेती है, वुड है पेपर कॉटन, ये सब कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। एंड कुछ सर्टेन मटेरियल लाइक पेट्रोल स्पिरिट एलपीजी एल्कोहल, वो तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनको तो थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा ही आग पकड़ लेते हैं, और इसलिए इनको कहा जाता है टू इन्फ्लेमेबल, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ने वालों में से है ये। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेबिलिटी, यानी जो प्रॉपर्टी है, ये जो खासियत है इनकी कि इस तरह से बर्न हो जाते हैं, उस खासियत को प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्फ्लेमेबिलिटी ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कम्बस्टिबिलिटी किसे कहते हैं, कम्बस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, नॉन कम्बस्टिबल कौन से होते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी, ये तो आप लोगों को पता ही है कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, कौन सी चीज़ ओपेक होती है, कौन सी चीज़ ठीक है ट्रांसल्यूसेंट होती है, ये सब आप पढ़ के आए हो आई थिंक, वैसे नहीं आप लोग नहीं पढ़ के आए हो बट ठीक है आपके लिए न्यू टर्म है, ध्यान से सुनना। वेन यू कैन सी ईजिली थ्रू सम मटीरियल, जब आप किसी चीज़ के आर पार बहुत अच्छे से देख सकते हो, जैसे अपन कांच होता है, कांच के आर पार हम बिल्कुल देख सकते हैं पूरा ठीक है कि बाहर क्या है क्लियरली, उस मटीरियल को, ऐसे मटीरियल को हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी, और ऐसे मटीरियल को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। समझ में आया, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। वाइल वेन, तो कांच ऐसी चीज़ है जो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि उसके आर पार आप देख सकते हो। वाइल वैन यू कैन नॉट सी थ्रू सम मटीरियल्स, और जबकि आप किसी चीज़ के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो, उसके पीछे के आपको नहीं दिखाई देता, तो उस टाइम पे ऐसे मटीरियल क्या कहलाते हैं, ओपेक कहलाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ओपेसिटी बोलते हैं। समझ में आया ठीक है, तो मटीरियल्स को तो कहा जाता है ओपेक, और ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है ओपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, सिमिलरली अ थिन लेयर ऑफ एयर एंड वाटर थ्रू विच वी कैन सी इजिली आर सेट टू बी ट्रांसपेरेंट। जैसे कांच, ग्लास मैंने बताया वो तो ट्रांसपेरेंट मटीरियल ही, इसके अलावा एयर, एयर ट्रांसपेरेंट मटीरियल है क्योंकि एयर तो खुद ही नहीं दिखती हमें, उसके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं, वाटर के आर पर हम आसानी से देख सकते हैं, तो इन सबको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ठीक है। और एनीथिंग, जो भी चीज़ आप ट्रांसपेरेंट मटीरियल में रखोगे वो आपको ईजिली विजिबल होगी, कांच के बर्तन में आप कोई भी चीज़ अंदर रखोगे तो वो आपको आसानी से विजिबल होती है बाहर से, तो वही चीज़ यहाँ कही गई है। यू कैन ईजिली सी अक्रॉस द विंडो पेन्स ऑफ योर होम्स, आप अपने घर पे अपनी खिड़कियों से आसानी से बाहर देख सकते हो, बाहर की सारी चीज़ें दिखती हैं। सम ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक बॉटल कंटेनर विच आर यूज इन किचन, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे काफ़ी सारी बॉटलों में बिस्लेरी वगैरह में, उनको आपको अंदर का सब कुछ दिखता है ना बाहर से, तो वो कैसे हैं ट्रांसपेरेंट है वो प्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड मटीरियल सच एज वुड मेटल यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू, वुड है मेटल है इनके आर पर आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, तो ऐसे मटीरियल्स क्या कहलाते हैं ओपेक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको इनमें से याद रखने हैं और अंडरलाइन भी कर लेना। अब थर्ड टाइप ऑफ मटीरियल वो कौन से होते हैं जिनके थ्रू, द थर्ड टाइप ऑफ मटीरियल आर दोज थ्रू विच दे आर ओनली पार्शली विजिबल, यानी उनमें से आर पार आपको पार्शली थोड़ा ही दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, पूरा क्लियरली नहीं दिखता, ऐसे टाइप्स ऑफ मटीरियल्स क्या कहलाते हैं ट्रांसल्यूसेंट ठीक है। अब ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल की एग्जांपल क्या है, ऑयल पेपर, बटर पेपर, डीप वाटर है ना, गहराई आप समुद्र के अंदर तक तो बिल्कुल नहीं देख सकते हो ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखता है आपको, तो डीप वाटर, फॉग है, धुंध है, मिस्ट, डस्ट, लेडन एयर, मतलब जो आर जब डस्ट आ जाती है एकदम, तो मिट्टी उड़ने लगती है तो आपको उसमें पूरा क्लियरली विजिबल नहीं होता,
तो ये सारे कैसे एग्जाम्पल है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के एग्जाम्पल है। समझ में आया है आपको ये वाला टॉपिक? नाउ देयर इज एन एक्टिविटी, एक शीट ऑफ पेपर लेनी है आपको और उसको उसके थ्रू लाइट बल्ब के सामने आपको मतलब रख के देखना है, उस शीट को बल्ब के सामने ले जाना है और फिर उस शीट पे आपको देखना है, फिर आप ऑब्जर्वेशन नोट करो आपको क्या दिख रहा है। अब सेकेंड टाइम क्या करना है, आपको 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल उस पर डालने हैं पेपर पे, और अब दोबारा आपको उसको बल्ब के सामने ले जाके उस पेपर में से देखना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जहाँ ऑयल आपने डाला था क्या उन ड्रॉप से आपको बल्ब ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है पहले से? हाँ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल की वजह से वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयली पेपर? क्या पर ऑयली पेपर के थ्रू आप पूरा क्लियरली देख सकते हो? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ दिस, दूसरे तरफ पेपर के क्या है वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है? इस केस में आपको नहीं होगा। क्यों? द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। तो आपको जिसके थ्रू आपको ऑब्जेक्ट्स तो देख सको बट बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं, वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो ऑयली पैचेस जो है पेपर में, सिर्फ जो थोड़े बहुत धब्बे थे, वो तो फैट का प्रेजेंस टेस्ट के लिए यूज़ होता ही है, यानी फैट मौजूद है यानी किसी चीज़ में, वो अपन उसी से टेस्ट करते हैं। तो दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू, यानी उससे आर पार दिखता तो है, बहुत कम दिखता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल? और क्या आप ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल और ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हो क्या जो ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल होंगे? समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आपका यह है, नेक्स्ट कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है? आपको पता है मेटल्स कंडक्ट करते हैं, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए अपने घर में मेटल के वायर्स होते हैं, मेटल के बर्तन होते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन कॉपर वेसल्स हीट अप क्विकली एंड हैंस यूज फॉर कुकिंग। कॉपर के बर्तन जो है वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, इसलिए उन्हें यूज़ किया जाता है कुकिंग में, और मेटल लाइक कॉपर ये जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए वायर में भी इसे ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। एंड तो कॉपर के जो मेटल है वो क्या होता है, बहुत जल्दी हीट फ्लो कर देता है और सब जगह टेम्परेचर बराबर रखता है, ठीक है, उसके हर एक पार्ट में टेम्परेचर बराबर हो जाता है फटाफट जल्दी। सो इफ़ यू पुट वन एंड ऑफ अ कॉपर बार इन अ फायर, तो एक एंड अगर आपने कॉपर फायर में डाला कॉपर बार का, तो दूसरा एंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा बाकी मेटल्स के कंपेरिजन में। आया समझ में? यू ऑल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज के नॉट वर्क विदाउट पावर। आपको पता है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले डिवाइसेज हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं कर सकते। दे कैन ओनली फंक्शन, वो सिर्फ तभी काम कर सकते हैं जब उन्हें एक इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करो आप, ठीक है, थ्रू मेटालिक वायर्स, मेटल के वायर्स के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज सो बिकॉज दीज वायर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वायर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ये मेटल के वायर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसलिए अब इनके बाहर देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इनमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो आप उनको ऐसे तो टच नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा वायर के बाहर एक प्लास्टिक मटीरियल की या रबर की कोटिंग की जाती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो, जब अपन उसे टच करें तो अपन को शॉक ना लगे, ठीक है। वो रबर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं तो वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, तो जो चीज़ें करंट पास नहीं करती, हीट पास नहीं करती, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स कहा जाता है। दस द नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने का, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का, वो कैटेगरी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, तो उनमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, हर एक मटेरियल में तो हर एक एबिलिटी नहीं होती ना, जैसे हर एक इंसान में हर एक एबिलिटी नहीं होती, तो जो मटेरियल जिनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट मिलने पर अपने अंदर से उसे पास कर दें, यानी जब उसको इलेक्ट्रिक करंट मिले तो वो उसे आगे पास कर दें दूसरे को, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसके बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को, चीज़ों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। समझ में आ गया?
कंडक्टर तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी हीट और हीट को कंडक्ट कर देंगे यानी पास कर देंगे। कंडक्ट वर्ड का मीनिंग ही पास होता है, लिख लेना। और इंसुलेटर्स वो होंगे जो आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंडक्ट नहीं करेंगे, आगे पास नहीं करेंगे। तो मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर ये बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए सोलर पैनल्स में सिल्वर के वायर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ आर हाउस इज़ डन मोस्टली बाय कॉपर वायर्स। अपने घरों में बहुत सारे कॉपर वायर्स होते हैं, सिल्वर के नहीं लगा सकती क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली महंगा आता है, इसलिए कॉपर ऐसा मेटल है जिसके वायर्स लगाए जाते हैं और वो अच्छा कंडक्टर भी होता है। इसके अलावा मेटल के अलावा इम्प्योर वाटर, ग्रेफाइट, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ग्लास, रबर, ऑयल, कॉटन, वुड, प्लास्टिक, एयर, ये इंसुलेटर है, ये बिल्कुल भी हीट और लाइट को पास नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी, इसमें क्या किया, एक पैन लिया और उसमें पानी डाला, गर्म पानी डाला और आधा भर दिया। अब दो स्पून लिए, एक तो कॉपर की बनी थी और दूसरी लकड़ी की बनी थी, तो आप खुद ही बताओ कौन सी स्पून गर्म हो जाएगी। 3-4 मिनट बाद जब मैं ऑब्जर्व करूँगी तो मुझे स्पून टच करके देखना पड़ेगा तो मुझे कौन सी गर्म लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है कॉपर की स्पून जो होगी वो गर्म हो जाएगी, ठीक है, तो मुझे उसे टच करते ही गर्म फील होगा, जबकि रबर जो वुड की स्पून है ये गर्म नहीं होगी क्योंकि ये इतना हीट पास करते ही नहीं है, तो ये हीट ले गई नहीं। तो ये अपने को इसीलिए जो बर्तन होते हैं कभी बहुत सारे उनमें इंस्ट्रूमेंट लकड़ी के होते हैं, ठीक है, तो वुडन के होते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने को उसको गर्म चीज़ को पकड़ने में अगर अपन को टच करना है कभी तो उसे करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल प्लास्टिक या रबर या वुडन के बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे उनको पकड़ने में उठाने में आसानी हो। तो ये आपका पूरा टॉपिक था कंडक्टिविटी पे, कौन अच्छा कंडक्टर होता है, कौन बैड कंडक्टर होता है यानी इंसुलेटर होता है, ये सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कल होमवर्क भेज दूँगी तो आप उसे कर लेना। ओके, थैंक यू।